हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फोर यू पर। तो देखिए, इसमें मैं लाइव लर्निंग आउटकम माथर लिंक गैप सामग्री कक्षा 5, विषय है आपका हिंदी, पेज होगा आपका 8 से लेकर 11 तक। तो अपन ने 1 से लेकर 7 पेज तक देख लिया। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अपन इसमें पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और अभ्यास वर्कशीट है अपनी 4। और हाँ, ये 2022 और 23 की लर्निंग आउटकम आधारित गैप सामग्री है, तो 2022 और 21 से ये आपको नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो भी नए बच्चे हैं और जिनके पास 2022-23 की यानी कि 2022-23 डला हुआ है, उसी में आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो, चित्र में दो बच्चे, गाय, चिड़िया व सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए, चित्र में बच्चे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी दिख रहा है अपन को वही लिखना है। अगर आपको समय कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि कमेंट करके आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जब प्रार्थना करते हैं तब कैसा महसूस होता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो कैसा महसूस होता है। सभी को बहुत आनंद और मन की शांति प्राप्त होती है। तो देखिए, अपन आंसर लिखेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मन की शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। आप कभी भी मंदिर पर जाओ, प्रार्थना करते हो तो आपने देखा होगा कितना शांति रहती है वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, प्रकृति हमें क्या क्या दिखती है। तो प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अपन देखेंगे, प्रकृति हमें फल फूल सब्जियां व मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। वैसे तो प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन अपन को इतना ही लिख देंगे तो अपना आंसर पूरा हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है अपना, सूरज नहीं निकले तो क्या होगा। देखिए, सूरज नहीं निकले तो अंधकार छा जाएगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे क्योंकि वह पेड़ पौधे से ही खाने बनाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से ही खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। तो अपन आंसर लिखेंगे, सूरज नहीं निकले तो पूरी पृथ्वी पर अंधकार हो जाएगा व पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा अपन आंसर लिख सकते हैं। आगे चलिए, अब अपनी देखिए, मूल्यांकन हेतु एक कविता दी गई है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो देखिए, ये अपनी कविता है, इसको जो मूल्यांकन दिया गया है 1, इसके आंसर दिए मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके आंसर अपन लिखेंगे। तो देखिए, पहला है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का भावार्थ अपन को अपने शब्दों में लिखने हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कवि कहता है कि फूलों के समान हंसो और भौरों के समान गुनगुनाना सीखो, ठीक है ना। भौरे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, आपने देखा होगा। वृक्षों से नमन करना सीखो एवं हवा से सीखो कोमलता भाव रखना, दूध और पानी से हमेशा मिलजुल कर रहना सीखो। देखिए, दूध और पानी तो हमेशा मिलजुल कर ही रहते हैं, कोई चेक भी नहीं कर पाता है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अगला है अपना, फूलों की पंखुड़ियाँ कोमल होती हैं, हैं हंसना, फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए, झुकना, पेड़ों की डालियों से झुकना सीखो। तो इन देखिए, इन वाक्यों का प्रयोग अपन ने कर दिया है यहाँ पर। तो ऐसे अपन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसा लिखना है। अब देखिए, अगली कविता है अपनी, ये भी किसी पाठ से ली गई है। एक कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे बाली, किसी तरह नीची हो जाती एह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली में अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो देखिए, ये अपनी कविता थी, इस कविता के आप प्रश्न मिलेंगे अपन को। देखिए, पहला प्रश्न अपन को मिलता है, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार कृष्ण कन्हैया का रूप रखने के लिए बालक क्या क्या
चाह रख रहा है। तो देखिए अपन को यहाँ पर बालक की चाह देखनी है कि बालक क्या क्या चाह रख रहा है। तो देखिए कृष्ण का रूप रखने के लिए बालक कदम के पेड़ को यमुना के किनारे होने की बात कह रहा है, साथ ही बांसुरी दिलाने को भी कह रहा है। तो ये सभी बालक कह रहा है कि अगर कदम का पेड़ यमुना किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठ के कन्हैया बन जाता और आप मुझे बांसुरी लिवा देती तो उस पर बैठकर मैं ऊंचे पर चला जाता, ठीक है ना। तो ऐसे ये बालक कह रहा है। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हो गया। आगे चलिए अगला प्रश्न है अपना, आप अपनी माँ के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 5 वाक्य कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10 वाक्य भी बोलते तो यहाँ पर लिख देते। तो देखिए अपन 5 वाक्य लिखेंगे। मेरी माँ मुझे बहुत स्नेह करती है, मेरी माँ मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरी माँ ने पूरे घर को संभाल के रखती है, मेरी माँ सभी से स्नेह व प्रेम करती है, मेरी माँ बहुत मेहनती व साहसी है, मेरी माँ पूरे घर को संभाल के रखती है। तो ये सभी अपन ने यहाँ पर पूरे 5 वाक्य देख लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 वाक्य अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप और भी वाक्य लिखना चाहे तो यहाँ पर लाइन दी गई है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला है, किसी परिचित या रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने का अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए ये तो सभी गए होंगे, कोई ना कोई मामा के, चाचा की, दादी मतलब फूफा जी के यहाँ, सभी ने शादियाँ अटेंड की होंगी। तो अपन लिखेंगे, जब हम रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाते हैं तो हम सबसे पहले बाज़ार से नए कपड़े खरीदते हैं, वो जिनके पास होते हैं वो नहीं खरीदते हैं क्योंकि फालतू का कर्जा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वह शादी में वह कपड़े पहनते हैं, वहाँ नाचते गाते हैं, वह तरह तरह का भोजन करते हैं और शादी का आनंद लेते हैं। तो इस तरह अपना ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, तो देखिए अगला है अपना, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। पहला है नदी, तो नदी का हो जाएगा नदियाँ। फिर है राखी, तो राखी का हो जाएगा राखियाँ। फिर है केला, केला का हो जाएगा केले। फिर है किताब, किताब का हो जाएगा किताब है। फिर है गाँव, गाँव का हो जाएगा गाँव। तो इस तरह अपन यहाँ से देखिए पेज नंबर 8 से लेकर 11 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद अपन 12 से अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और जिससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।